तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग डेक के बारे में फॉर क्लैश रॉयल। एंड वी हैव इनवाइटेड जिन कजामा ए के करण बैक अगेन ऑन आवर चैनल। और करण भाई, क्या हाल है। आई एम ऑल गुड। बस, तो आज तुम ये न्यू डेक शेयर कर रहे हो, गॉबलिन जाइंट वाला डेक है। यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं आप जिन की। सो ये गॉबलिन जाइंट वाला डेक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी, मतलब स्पार्की प्लस गॉबलिन जाइंट काफ़ी, मतलब अलग सा डेक लग रहा है ये। सो जीसी के तुमने रिप्लेस शेयर कर दिए हैं इधर। सो थोड़ा सा डेक एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो डेक बेसिकली अपना स्पार्की एंड गॉब्लिन जाइंट पे फोकस है। तो विनिंग कंडीशन अपने गॉब्लिन जाइंट एंड स्पार्की है। गॉब्लिन तो जाइंट और स्पार्की, स्पार्की, ओके तो बेसिकली अपना जो अल्टीमेट सपोर्ट कार्ड है वो है डार्क रिंग। ओके अब इसको जैसे फ्लैश रेडियस का जो बफ मिला है तो स्पैम एलिमिनेट और टर्मिनेट करने के लिए बहुत अच्छा कार्ड है वो। अच्छा, तो स्पार्की को ज्यादा एक्स्ट्रा रेडियस मिल जाती है, प्लस स्पार्की को भी बफ मिला है रेडियस का। ओके लास्ट लास्ट चेंजेस में एंड गॉबलिन जाइंट इज वेरी गुड फॉर लाइक टर्मिनेटिंग स्पैम्स लाइक बिंगिंग आउट वगैरह इन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्नोबॉल। ओके ओके सो मतलब काफ़ी, मतलब अच्छा डेक है अभी के हिसाब से। सो तुमने रिप्लेस शेयर किए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन्थ एट्थ विन है तुम्हारा जीसी का। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हॉप इन कर लेते हैं। लेट मी नो जब तुम आ जाओ मैच में। यहाँ पे मैं लोड इन कर रहा हूँ, वेट। सो मैं मैच में आ चुका हूँ, तुम आ चुके हो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग हैंड बेसिकली क्या प्रेफर करते हो तुम। अभी गॉबलिन जाइंट और डार्क प्रिंस है इसमें, सो जनरली क्या प्रेफर करते हो। अभी जैसे ये जो स्टार्टिंग एंड है मेरा, तो उसका तो मैं बेसिकली वेट करूंगा। ओके ओपोनेंट को फर्स्ट मूव करने देना है। अगर अपना बार्गेनिंग टैरर हो हाथ में तो वी कैन साइकिल बार्गेनिंग टैरर। ओके फाइट सेकंड तो वेट। सो बारबेरियन बैरल साइकिल कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग हैंड में हो। सो बैंडेड अपोनेंट गया है, यहाँ पे डार्क प्रिंस से डिफेंस हो जाएगा। प्लस तुमने स्नोबॉल कर दिया है मिनियंस को उसने जो साइकिल किए थे फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे अपोनेंट थोड़ा सा एग्रेसिव जा रहा है। सो एक जो चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, इस डेक का जो तुम बता रहे हो ये टफ मैचअप है। सो टफ मैचअप्स इसके कौन कौन से हैं और कौन से इसके ईजी और डिसेंट मैचअप्स है, तो थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। टफ मैचेस बेसिकली ये तो इलेक्ट्रोविजर्ड और जैप वाले जो डेक्स होते हैं लाइटनिंग के, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं डेक को। बाकी इजी मैचेस में जो अपना जैसे एयर डेक्स होते हैं वो भी टफ मैचअप में आ जाएंगे। सो लावा लून बेसिकली इसका एक तरीके से टफ मैचअप होगा। लावा लून, लावा माइनर ऐसे टाइप के होते हैं, ये बेसिकली टफ मैचअप में आ सकते हैं। ओके सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक कि स्पार्की ने एक बहुत ही बढ़िया काउंटर पुश क्रिएट किया था अभी पेका को डिफीट कर किल करने के बाद। स्पार्की ने एक अच्छा काउंटर पुश बनाया। सो ये बेसिकली थोड़ा सा काउंटर पुश पे भी बेस्ड है डेक। अच्छा ओके सो काउंटर पुश भी बनाना है स्पार्की को, एज अ काउंटर पुश यूज़ करना है अगर अपोनेंट कोई पुश बना रहे। सो स्पार्की से डिफेंड करना है देन उसे ऑफेंस में यूज़ करना है बेसिकली। और यहाँ पे तुमने 3 क्राउन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने मैचअप विन किया और काफ़ी बढ़िया अपोनेंट भी था ये। सो नेक्स्ट मैचअप जो मैं दिखाने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपोनेंट की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर एज वेल, 4899 अभी ग्लोबल चल रहा है और 20 विन प्लेयर है ये भी। सो मतलब ये भी काफ़ी डिसेंट प्लेयर है। सो मैं आपको ये अगेंस्ट माइनर पॉइजन डेक के अगेंस्ट मैचअप है। सो माइनर पॉइजन अभी मैं रिप्ले में आ चुका हूँ। सो आ चुके हो तुम। हाँ, तो स्टार्ट कर दिया मैंने। माइनर पॉइजन मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक्स है इस समय पे गेम में। सो ये मैचअप है जो माइनर पॉइजन के अगेंस्ट, वो क्या डिफिकल्ट मैचअप है या फिर कैसा मैचअप है। मैचअप बेसिकली डिसेंट है, जैसे 50-50 वीकेंड से 50-50 है। तो ओके 50-50 बिकॉज़ इसमें ज़ैप नहीं है। ओके इसमें उसमें अपोनेंट के पास ऐप नहीं है। ओके ओके सो एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इसके सबसे ज़्यादा इजी मैचअप्स क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सकते हैं इजी मैचअप्स। बेसिकली गोलेम हो सकते हैं, गोलेम स्पैम लाइक नाइट स्विच वगैरह। ओके गोल गोलेम एंड पैका एंड ब्रिज स्पैम भी हो सकता है जिसमें स्नोबॉल वगैरह हो, जैसे प्रिंस का पिच स्पैम बैक है, प्रिंस बैटल रैम बैंडेड मस्केटियर वाला फायरबॉल। हां विच स्नोबॉल एंड फायरबॉल। ओके ओके तो वो भी बहुत इजी मैचअप है बिकॉज उसमें ऑनली स्नोबॉल है एंड बेसिकली स्नोबॉल अभी मेटा में तो ज्यादा लोग ज़्यादा यूज नहीं करते। उसका एडवांटेज ये कि वी कैन यूज पार्किंग। ओके सो वो मतलब सबसे इजी मैचअप से ब्रिज स्पैम और कॉलम स्पैम
थोड़े इजी मैचअप से इस डेक के लिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे मतलब काफ़ी डिफिकल्टी फेस होती है, अभी जैसे तुम ये डेक काफ़ी समय से खेल रहे हो तो तुम प्रो हो इस डेक को लेके, सो जो न्यू प्लेयर्स हैं उन्हें ये पता नहीं है कि डेक को यूज़ कैसे करना है, तो ऐसी कोई प्रो टिप दे दो जिससे मतलब कोई बिगिनर है जो स्टार्ट कर रहा है अभी ये न्यू खेलना डेक, सो उसको मतलब कैसे अच्छे से प्ले कर सकता है ये डेक, उसके लिए कुछ टिप्स। बेसिकली अपना जो डेक है वो काउंटर पुश पे फोकस करता है, तो अपने को पहला मूव नहीं करना, पहला मूव अपने को ओपोनेंट को करने देना है। ओके, एंड बेसिकली अपने को पॉजिटिव क्रिएट करनी है, लाइक स्पार्की से, लाइक जैसे कोई ओपोनेंट जायंट से पुश स्टार्ट करता है तो अपने को स्पार्की डिफेंड करना है। ओके, एंड स्पार्की से जो अपने को यूटिलिटी मिलेगी उससे अपन काउंटर पुश बना सकते हैं। सो अगर सॉलिड काउंटर पुश बनेगा तो ओपोनेंट तो वैसे ही हार जाएगा। हाँ सही बात है। सो यहाँ पे अभी मैचअप में डैमेज लीड में तुम चल रहे हो, सो ये मैचअप तो देखने में अभी डबल एलिक्सिर जैसे स्टार्ट हो चुका है इस समय पे, सो डबल एलिक्सिर में अपोनेंट जो माइनर पॉइजन वाला होता है जनरली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाता है माइनर प्लस पॉइजन के साथ, सो उसे तुम स्पार्की से डिफेंड करते हो देन उसे काउंटर पुश में क्रिएट करते हो, ऐसा कुछ? ओके ओके, सो आई थिंक सो ये मैच मतलब माइनर पॉइजन जैसे तुमने बताया माइनर पॉइजन डिसेंट मैचअप है या वन ऑफ ईजियर मैचअप है या फिर टफ मैच की स्टैंडर्ड्स में आ जाता है मैच? अभी जैसे वेरिएशन पे डिपेंड करता है, जैसे ओपोनेंट के पास थोड़ा अग्रेसिव माइनर पॉइजन डेक है, इसका जो है ये एक्चुअली पैसिव डेक है, ये बेसिकली इसका डेक भी काउंटर पुश को कर सकता है, लेकिन ये इसका जो काउंटर पुश आ नहीं सकता बिकॉज अपन उसका प्ले। ओके ओके, तो ये वाला मैचअप ईजी है, लेकिन अगर अपन जैसे माइनर हर्ट हो जाए माइनर हर्ट माइनर फर्नेस जैसे तो वो वाला रिसेंट 50-50 मैच है बिकॉज उसमें सिर्फ बिल्डिंग स्पॉनिश आ जाएगी ना। ओके, आपके स्पॉनर फादर से है तो वो थोड़ा रिसेंट मैचअप होता है 50-50 का। अच्छा, तो ऐसा रहता है। सो एक चीज़ और, जाने से पहले रीप्ले ख़त्म हो चुका है यहाँ पे और बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय किया तुमने अपोनेंट को, सो जिन ये डेक कहाँ कहाँ पे चल सकता है? ये डेक बेसिकली ग्रैंड चैलेंज पे चल सकते हैं, जैसे मैंने एक जीता था 12 विन, एंड क्लासिक चैलेंजेस पे भी बहुत वायबल है। ओके, 12 विन के लिए, एंड जैसे कॉम्पिटेटिव मैचेस होते हैं बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 5। ओके, तो अगर ओपोनेंट ने आपका जैसे अगर ओपोनेंट ने इलेक्ट्रो विजर्ड 10 वगैरह किया है और आपने लाइटिंग बैन किया है तो आप इसमें लाइटिंग को फायरबॉल सब्स्टिट्यूट करके ये डेक यूज कर सकते हैं। ओके, देन आल्सो दिस डेक इज बहुत वेरी ओपी। अच्छा, तो लैडर पे मतलब क्या वायबिलिटी है इसकी? लैडर पे बेसिकली अभी तो रैंडम मैचेस आते हैं, जैसे बेसिकली अभी तो रॉकेट मेटा चल रहा है अभी तो टॉप 200 लैडर। ओके, एंड रॉकेट इज हार्ड काउंटर टू स्पार्की, तो अभी एग्जो के डेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं लैडर पे एंड मोटर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो लैडर पे वायबिलिटी टॉप 3000 के लिए बहुत सही है बट टॉप 200 के लिए सेमी वायबल है। ठीक है, ओके, सो मतलब लोअर प्लेयर्स के लिए सही मतलब अच्छे से वर्क कर जाएगा ये डेक। अरिना 6600 रुपीस तक बहुत वायबल है ये डेक। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, जिन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल, और जाने से पहले कुछ आखिरी शब्द? बेसिकली मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो उस पे भी पोस्टिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ बैड चैनल्स। ओके, तो अगर टैक्स में बेटर होना चाहते हैं तो जैसे एक ऑडियंस है एंड थोड़ी जैसे इंटरेक्शंस को जानती है, बेसिकली जो वेरी मेजर इंटरेक्शंस होती है। ओके, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई बी पोस्टिंग रेगुलरली कंटेंट। ओके, सो जिनका चैनल है जाके सब्सक्राइब कर देना, ऑफिशियल प्रो प्लेयर है ये एशिया का, सो एकदम मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और साथ में प्रो टिप्स जिनका जामा की आर द बेस्ट। सो इंस्टाग्राम लिंक जिनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके सब्सक्राइब कर देना एंड फिर मिलते हैं गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना विद योर क्लैन मेट्स, किसी के साथ भी शेयर करो बट शेयर कर देना गाइस, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एवरीवन, पीस आउट।